नमस्कार आज हम एन द्वारा कक्षा 12 के लिए निर्धारित रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ चौदह जैव अणु के तीसरे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे पहले एवं दूसरे भाग में आपने कार्बोहाइड्रेट एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन्स के बारे में जाना इस भाग में हम एंजाइम विटामिन न्यूक्लिक अम्ल और हारमोन्स के बारे में पढ़ेंगे आइए शुरू करते हैं हमारे शरीर में भोजन का पाचन उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंततः ऊर्जा का उत्पादन करने की प्रक्रिया में एक विशेष क्रम में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं ये अभिक्रियाएं माइल्ड कंडीशंस यानी मध्यम परिस्थितियों में होती हैं यह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होता है जिन्हें एंजाइम कहते हैं एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाकारक के लिए विशिष्ट होते हैं इनका नामकरण सामान्य तौर पर उस यौगिक अथवा यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं जैसे माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को माल्टेज नाम दिया गया है कभी कभी एंजाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है उदाहरणार्थ जो एंजाइम एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाकारक का अपचयन उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम दिया जाता है एंजाइम के नाम के अंत में सामान्य तौर पर एज शब्द आता है जैसे माल्टेज इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कॉलम फर्स्ट में दिए एंजाइमों को उनके द्वारा उत्प्रेरित की जाने वाली कॉलम टू में दी गई अभिक्रिया से सुमेलित कीजिए यानी मिलान करना है कॉलम वन में कुछ एंजाइम दिए गए हैं इन्वर्टेज माल्टीज पैप्सिन यूरिएजाइमेज और कॉलम टू में अभिक्रियाएं दर्शाई गई हैं पहली है यूरिया का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन दूसरा है ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन तीसरा है माल्टोज का ग्लूकोज में जल अपघटन चौथा है शर्करा का अपघटन और पांचवा है प्रोटीनों का पेप्टाइडों में अपघटन इन्वर्टेज जो है वो शर्करा का अपघटन उत्प्रेरित करता है माल्टेज माल्टोज का ग्लूकोज में अपघटन करता है पेप्सिन प्रोटीनों का पेप्टाइडो में अपघटन उत्प्रेरित करता है इसी प्रकार यूरिएज यूरिया का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन उत्प्रेरित करता है तो जाइमेज ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन उत्प्रेरित करता है तो कॉलम एक और कॉलम दो में जो अभिक्रियाएं दी गई हैं उनका इस प्रकार से आपको सुमेल करना है किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देते हैं जैसे सुक्रोज के अमलीय अपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा 6.22 किलो जूल किलोजूल पर मोल है जबकि सुक्रोज जब सुक्रेज एंजाइम द्वारा जलापघटित होता है तो सक्रियण ऊर्जा केवल 2.15 किलो जूल किलोजूल पर मोल होती है आप समझ सकते हैं कि एंजाइम के कारण सक्रियण ऊर्जा कम हो गई है एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि आप यूनिट पाँच में पहले पढ़ चुके हैं एंजाइम से संबंधित इन दो प्रश्नों को हम देखते हैं पहले प्रश्न में पूछा गया है एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सही हैं यहाँ चार में से एक उत्तर नहीं है चार में से एक से ज़्यादा उत्तर सही हो सकते हैं तो अभी जो आपने पढ़ा एंजाइम के बारे में उससे आप बता सकते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और दूसरा ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित नहीं है दूसरा प्रश्न है कुछ एंजाइमों को उन अभिक्रियाओं के आधार पर नाम दिया जाता है जिनमें वे प्रयुक्त होते हैं एंजाइमों के उस वर्ग का नाम लिखिए जो एक क्रियाधार यानी क्रियाकारक के ऑक्सीकरण के साथ साथ दूसरे क्रियाकारक का अपचयन करता है तो इसका उत्तर हमने पिछली स्लाइड में देखा था उनको हम ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं अब बात करते हैं विटामिन की ये जैव अणुओं का एक समूह है जिसकी थोड़ी सी मात्रा सामान्य उपापचयन अभिक्रियाओं के लिए तथा मनुष्य व जीवों के जीवन वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ध्यान रखिए ये जीवों द्वारा नहीं बनाए जाते हैं भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं इनकी कमी या अभाव से विशेष रोग हो जाते हैं ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की ऑप्टिमम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रख रखाव होता है विटामिन का के भी हानिकारक होता है इसलिए कहा जाता है कि चिकित्सक की सलाह के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए शुरू में पहचाने गए यौगिकों में एमिनो समूहों की उपस्थिति के कारण इनको दो शब्दों वाइटल और एमिन से वाइटेमिन कहा गया जिसकी स्पेलिंग थी वी आई टी एम आई एन ई लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि अधिकांश यौगिकों में एमिन समूह नहीं होता है इसलिए इंग्लिश की स्पेलिंग से लास्ट का ई e हटाकर इनको केवल विटामिन शब्द से लिखा जाता है विटामिनों को ए बी सी डी आदि नामों से जाना जाता है कुछ विटामिनों के उपनाम भी दिए गए हैं जैसे B1, B2, B6, B12। सिक्स बी वसा में विलय विटामिन वे विटामिन हैं जो वसा तथा तेल में विलय होते हैं परंतु जल में अविलय होते हैं ये यकृत और एडिपोज यानी वसा संग्राहक उत्तकों में संग्रहित किए जाते हैं इसके उदाहरण हैं विटामिन ए डी ई और के दूसरे प्रकार के विटामिन जल में विलय विटामिन होते हैं सी तथा बी वर्ग के विटामिन जल में विलय विटामिन होते हैं जल में विलय विटामिन भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं विटामिन बी ट्वेल्व के अलावा ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते हैं ध्यान रखिएगा केवल विटामिन बी ट्वेल्व हमारे शरीर में संग्रहित किया जाता है बाकी विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते हैं और इनकी पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं आइए अब जानते हैं मुख्य विटामिन कौन कौन से हैं उनके स्रोत क्या हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं इसके स्रोत हैं दूध मक्खन गाजर मछली के यकृत का तेल और इसकी कमी से रतोंधी और जीरोथेलमिया नामक रोग हो सकते हैं जीरोथेलमिया में आँखों का कॉर्निया कठोर हो जाता है विटामिन बी वन जिसको थायमिन कहते हैं इसके स्रोत हैं यीस्ट, दूध हरी सब्जियां एवं दालें और इसकी कमी से बैरी नामक रोग हो सकता है विटामिन बी टू इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं ये दूध अंडे की सफ़ेदी यकृत और गुर्दा में मिलता है इसकी कमी से किलोसिस हो सकता है जिसमें मुंह और होठों के किनारे पर दरार पड़ जाती है इसके अलावा पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और स्किन में जलन महसूस होती है विटामिन बी सिक्स जिसको पैरिडॉक्सिन कहते हैं इसके स्रोत हैं यीस्ट, दूध अंडपीत दालें और चना इसकी कमी से कन्वल्सन्स यानी मरोड़ पड़ने की समस्या हो सकती है विटामिन बी ट्वेल्व जिसको साइनो कोबाल्मिन कहा जाता है इसके स्रोत हैं मांस मछली अंडा और दही इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है यानी हीमोग्लोबिन में आरबीसी की कमी हो जाती है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसके स्रोत सिट्रस फल हैं आंवला है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है स्कर्वी नामक रोग में मसूड़ों से रक्त बहने की समस्या होती है विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश मछली और अंडपीत इसकी कमी से बच्चों में अस्थि विकृतता यानी बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं जिसे रिकेट्स नामक रोग दिया गया है इसके अलावा ओस्टोमलेशिया वयस्कों में जोड़ों में दर्द और अस्थि मृदुता यानी सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं विटामिन ई e, टोकोफेरोल इसका स्रोत है गेहूं अंकुर तेल व्हीट जर्म ऑयल कहते हैं और सूर्यमुखी का तेल इसकी कमी से माशपेशिया कमज़ोर हो जाती है और आर के भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है विटामिन के फिलोक्यूनॉन ये हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है और इसकी कमी से रक्त के थक्का जमाव समय में वृद्धि हो जाती है यानी ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है इस प्रश्न में विटामिन से संबंधित पूछा गया है कि कॉलम ए में विटामिनों के नाम दिए गए हैं और कॉलम टू में दिए गए रोग से उनको सुमेलित करना है जैसे विटामिन ए इसकी कमी से जीरोथेल्मिया और रात्रि अंधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है विटामिन बी वन से बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से एनीमिया हो जाता है विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त बहना शुरू हो जाता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया हो सकता है विटामिन ई e की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में लगने वाला समय बढ़ जाता है इस प्रकार इस प्रश्न के द्वारा आप अलग अलग विटामिनों के क्या काम है और उनकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं ये समझ सकते हैं अभी हमने जाना कि एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं जो किसी अभिक्रिया या क्रियाकारक के लिए विशिष्ट होते हैं आपने ये भी जाना कि विटामिन क्या है कितने प्रकार के होते हैं और शरीर में इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपने इनके सोर्सेज भी जाने अब हम न्यूक्लिक अम्ल एवं हार्मोन्स के बारे में जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के समान होती है हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य मनुष्य को पशु पशु को और पक्षी पक्षी को जन्म देता है ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी तक किस प्रकार संचरित होते हैं यह पाया गया है जीवित कोशिका का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है जिसे अनुवांशिकता भी कहते हैं कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लोटाइड के लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड परस्पर फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं जो पेंटोज सर्करा के फाइव डैश तथा थ्री डैश कार्बनों ये थ्री डैश और इसमें ये फाइव डैश इन कार्बनों के बीच में स्थित होते हैं चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं अतः इन्हें पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं ये दो प्रकार हैं न्यूक्लिक अम्ल के पहला है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डी एन ए और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक अम्ल आर एन ए न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन डी एन ए या आर एन ए के पूर्ण जलाभघटन से एक पेंटोशर्करा फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं जिन्हें क्षारक कहते हैं डीएनए अणु में शर्करा इकाई बीटा डी टू डी ऑक्सीराइबोज होती है जबकि आरएनए में बीटा डी राइबोज होती है ये दोनों शर्कराएँ आप देख रहे हैं यहाँ टू डी पूर्व लग्न से तात्पर्य है कि राइबोस की स्थिति टू पर आप देख रहे हैं स्थिति दो पर ओ समूह के स्थान पर केवल हाइड्रोजन जुड़ा है और ऑक्सीजन परमाणु नहीं है इसलिए ये डी ऑक्सी पूर्व लग्न लिखा जाता है डीएनए में चार क्षारक एडिनिन गुआन साइटोसिन और थाइमिन होते हैं आरएनए में भी चार क्षारक होते हैं लेकिन चौथा क्षारक थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है इनमें एडेनिन और गुआनिन हैं, जबकि साइटोसिन थामिन और यूरेसिल पिरिमिडिन क्षारक हैं फास्फोरिक अम्ल भाग किसी क्षारक के शर्करा की वन डैश स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं ये न्यूक्लियोसाइड है इसमें क्षारक कहाँ जुड़ा हुआ है शर्करा की वन डैश स्थिति पर और क्षारक से विभेद करने के लिए शर्करा के कार्बनों को वन डैश टू डैश थ्री डैश आदि से लिखा जाता है और जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा की फाइव डैश स्थिति से फास्फोरिक अम्ल बंधता है या जुड़ता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है ये न्यूक्लियोटाइड है आप देख रहे हैं कि फाइव डैश कार्बन पर फास्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ है एक टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है यह इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाईस्टर बंद द्वारा जुड़े होते हैं यह है फॉस्फोडाइस्टर बंद जो शर्करा के फाइव डैश और थ्री डैश कार्बनों के बीच स्थित होते हैं आप देख सकते हैं इस गोले में कि फाइव डैश और थ्री डैश के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बंध बन रहा है यह न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम निरूपण है न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस यानी अनुक्रम से संबंधित सूचना को इसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं इसमें आप देख रहे हैं कि क्षार से शर्करा जुड़ी हुई है और शर्करा से फॉस्फेट इस प्रकार एक श्रृंखला बनती है न्यूक्लिक अम्लों की द्वितीयक संरचना भी होती है यह डीएनए की द्वि कुंडलिनी संरचना डबल स्ट्रैंड हेलिक स्ट्रक्चर है जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दी थी न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएँ आपस में कुंडलित रहती हैं तथा क्षारक जोड़ों के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं दोनों स्ट्रेंड्स एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि क्षारकों के विशिष्ट पेयर्स के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है ये दो जो स्ट्रेंड हैं आपस में इन क्षारकों के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंद के कारण जुड़े रहते हैं आर की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक हेलिकल की बनी होती है जो कभी कभी आर में उपस्थित एक स्ट्रैंड के स्वयं को मोड़ने से बनती है आर अणु तीन प्रकार के होते हैं और ये भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं इनके नाम संदेशवाहक आर मैसेंजर आर जिसको एम लिखा हुआ है दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, आर आरेने, तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। टी आरेने। इस स्लाइड में आप डीएनए एवं आरएनए में अंतर देख रहे हैं डीएनए एन पॉली न्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला है जैसा आपने अभी देखा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और आरएनए एकल श्रृंखला होती है डीएनए में पेंटोशर्करा शर्करा डी टू डी होती है जबकि आरएनए में ए में पेंटोशर्करा बीटा राइबोस होती है डीएनए में प्यूरिन क्षारक एडिनिन और गुआनिन होते हैं आरएनए में भी यही प्यूरिन क्षारक होते हैं एडिनिन और गुआनिन लेकिन पिरिमिडिन क्षारक डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन होते हैं जबकि आर में पिरिमिडिन क्षारक यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है आरएनए कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है डीएनए आनुवांशिक आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण का कार्य करते हैं जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं डीएनए आनुवांशिकता आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक की तरह जाना जाता है डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान करने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्व प्रतिकरण यानी सेल्फ रेप्लिकेशन में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए स्ट्रैंड यानी आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसफर होता है न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है डीएनए फ़िंगरप्रिंटिंग जैसा कि हम जानते हैं हर जीव का अलग अलग फ़िंगरप्रिंट होता है ये अंगुली की टिप यानी ऊपरी सिरे पर होता है और इस गुण का उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने में किया जाता रहा है लेकिन सर्जरी करके इसमें चेंज किया जा सकता है इसी प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंट होता है क्योंकि डीएनए के क्षारकों का सीक्वेंस बहुत ही यूनिक होता है यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है और इसे किसी भी ज्ञात इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उंगली के टिप को सर्जरी द्वारा बदला जा सकता है लेकिन डीएनए सीक्वेंस को जो शार्कों की सीक्वेंस इसमें है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विधि संबंधी प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक लैब में अपराधी की पहचान करने में किया जाता है किसी व्यक्ति की पैतृकता यानी पैटर्निटी को निर्धारित करने में भी इसका उपयोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा जनक के डीएनए की तुलना करके किया जाता है इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में होता है ये न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित दो प्रश्न आपके सामने हैं न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा ये न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं दूसरा प्रश्न है डीएनए और आरएनए में चार क्षार होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है एडिनिन यूरेसिल थाइमिन और साइटोसिन तो आप जानते हैं थाइमिन डीएनए में होता है आरएनए में नहीं होता और यूरेसिल आरएनए में होता है डीएनए में नहीं होता तो आपने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है इनका रासायनिक संगठन क्या है ये पेंटोशर्करा क्षारक एवं फास्फोरिक अम्ल से बनते हैं और दो प्रकार के होते हैं डीएनए और आरएनए। इनमें अंतर भी हमने देखा आपने डीएनए फ़िंगरप्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जाना अब हम हारमोन्स के बारे में पढ़ेंगे हारमोन वे अणु होते हैं जो कोशिकाओं के बीच संदेशवाहक का कार्य करते हैं ये शरीर में अंत स्त्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं जो इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा देती हैं रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें से कुछ स्टेरॉइड होते हैं उदाहरण के लिए एस्ट्रोजन और एंड्रोजन इंसुलिन और एंड्रोफिन जैसे कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं तथा कुछ अन्य एमिनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं जैसे एपिनेफ्रीन एवं नॉर एपिनेफ्रीन शरीर में हार्मोनों के अनेक कार्य हैं ये शरीर में जैविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में इंसुलिन की भूमिका इसका उदाहरण है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तेजी से बढ़ने पर इंसुलिन निकलने लगती है दूसरी ओर हार्मोन ग्लूकागोन की प्रवृत्ति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने की होती है इस प्रकार ये दोनों हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करते हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन बाह्य उद्दीपक की और प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं वृद्धि हार्मोन और जनन हार्मोन वृद्धि तथा विकास में भूमिका निभाते हैं थाइराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरोक्सिन एमिनो टायरोसिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होता है थायरोक्सिन की मात्रा सामान्य से कम होने पर अव अवटूता यानी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है जो थकान और मोटापे के रूप में दिखाई देता है थायरोक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा से अति अवटूता यानी हाइपर हो जाता है आहार में आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड ग्रंथि बढ़ सकती है खाने वाले नमक में सोडियम आयोडाइड मिलाकर यानी आयोडाइड सॉल्ट इस स्थिति को नियंत्रित किया जाता है स्टेरॉइड हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेड ग्रंथियों पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में डिंब ग्रंथी में बनते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन शारीरिक क्रियाकलापों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे ग्लूको कॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करते हैं जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं एवं तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉयड गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के ठीक से कार्य न करने पर एडिसंस डिजीज हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना इसके लक्षण हैं। यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से इलाज न हो तो यह रोग घातक हो सकता है गोनेडों से निकलने वाले हार्मोन सेकेंडरी यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं टेस्टेस्टेरोन पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज में भारीपन चेहरे पर बाल और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होता है एस्ट्राडायोल महिलाओं का प्रमुख हार्मोन है यह महिलाओं में सेकेंडरी यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है और रजोधर्म नेचुरल साइकिल के नियंत्रण में भागीदार होता है प्रोजेस्टोरॉन निश्चित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय यानी यूट्रस को उपयुक्त बनाता है इस प्रकार आपने जेवाणु के इस तीसरे और अंतिम भाग में एंजाइम विटामिन न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन्स के बारे में जाना ये सब वे जैवाणु हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं यह पाठ यहीं समाप्त होता है नमस्कार